अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी बेसन वाले पराठे, जिसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं। मिस्सी रोटी बनाने के लिए चाहिए आटा, बेसन, हरे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कसूरी मेथी, अनारदाना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, घी, पानी। ये मेरे पास प्याज है, मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ। बाजार से कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, बाजार के बरसात के मौसम में बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, बाजार से भी खराब आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताया। तीन चम्मच ऑयल डालूंगी, इसको अच्छे से इसके ऊपर मिक्स कर दूंगी। अगर आप हाथ के साथ करें तो ज्यादा बेहतर है, मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसे तो सारा लग गया, ये बिल्कुल 6 महीने तक टिक रहे। इसको मैं बैग में डालूंगी। ये टाइट करके फ्रीजर में रख, देखें। अब हम आटा गूंदेंगे, इसमें मैंने ना 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया, छोटे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी के बराबर भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये आटा तैयार हो गया, अब इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अब मैं बेसन बनाऊंगी। 1 प्याली बेसन, 1/2 प्याली हरे प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 प्याली धनिया की पत्तियां, 1/2 नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसकी मसाले के लिहाज से चीज़ें बढ़ा सकते हैं।
थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। इसके पेड़े बनाए, ऐसे थोड़ा साटा लगाए, फिर ऐसे जरा थोड़ी जोर से बिल्कुल गोल पेड़े बेल। अच्छे गोल गोल पेड़े बनाए, आप इसी तरह बनाए ऐसे ना, देखो उंगलियों के और हाथ की तरह के मदरसे जो बनते ऐसे करें, फिर इसको साटा लगाए और फिर जा रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी, दोनों साइडों के ऊपर आटा खुशक लगा दूंगी और थोड़ा सा आटा नीचे भी छिड़कूंगी बेलने का, ऐसे ऐसे देखें। ऐसे बड़े प्यार से ऐसे करें। ये मैं बच्चियों को समझा रही हूँ जिनको तरीके नहीं ना आते, ना शौक से करती हैं, कोशिश ही नहीं करती। समझे तो थोड़ा सा आटा और लगा सकती है। अब हम इसकी इसको तवे को बुझा दें, ये तवे को बुझा दें। थोड़ी सी रोटी ना खुशक होनी शुरू हो गई है, इसके ऊपर हम अपने को सारी रोटी के ऊपर डाल दिए। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी।
दो से तीन चम्मच। बड़ी प्यास से इसी सेट बदल दें। घी लगा दें। देखिए आपकी खुशक हो गई है। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से हम बेसन लगाएंगे। अब मैं इसकी सैड बनाऊंगी। ये देखो इतनी प्यारी माशाल्लाह बनी है, पूरा पिज्जा लग रहा है। ये देसी पिज्जा है। इसको हाथ की मदद से ना ऐसे ऐसे मक्खन लगा दे। बहुत ही मजेदार है। लाहौर में आज बारिश हुई है इसलिए मैंने ये रोटियां बनाई। बड़ी करारी बनती है और बड़ी मजेदार होती है। बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। अब ये तैयार है। बड़ी करारी और बड़ी मजे की बनी है। आप भी बनाएं मजे से मक्खन और लस्सी के साथ खाएं और जान लें।